Hello and welcome back guys to the another video of sports news. Hope all are doing good guys. So guys, आज भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, जैसे कि CPL के पहले दो मैचेस से, NBA से, UEFA के सेमी फाइनल से, और गाइस खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं उसका सब अपडेट्स, और पाकिस्तान वर्सेस T20 है इसका अपडेट क्योंकि आने वाला है गाइस। तो सब कुछ सब अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं CPL के बारे में गाइस। CPL का पहला मैच कल शाम को 7:30 बजे खेला गया था गाइस, ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स वर्सेस गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच। तो इसमें ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स ने 4 विकेट से जीत लिया है ये मैच, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं सुनील नारायण, जिन्होंने 4 ओवर में 19 रन के देके 2 विकेट लेने के साथ साथ 50 रन भी स्कोर किए गाइस। तो गाइस दूसरा मैच जो सुबह के 3 बजे खेला गया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, बारबाडोस ट्राइडेंट्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेवियस पैट्रियट्स के बीच, जिसमें बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने 6 रन से इसे जीत लिया है, और इसके मैन ऑफ द मैच बने हैं मिचेल सैंटनर, जिन्होंने 4 ओवर में 1 मेडन के साथ 18 रन देकर 2 विकेट लिए, साथ ही साथ 20 रन भी बनाए गाइस। तो गाइस इसके आने वाले मैचेस की बात करते हैं, जो कि आज शाम 7:30 बजे और होगा कल सुबह फिर 3 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, जो कि होगा जमैका तलावास वर्सेस सेंट लुसिया ज्यूस के विरुद्ध, ये मैच है दोनों टीम किसे के देखते हैं। 3 बजे जो होगा फिर गुयाना अमेजन वॉरियर्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेवियस पैट्रियट्स के बीच होगा गाइस। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज के बारे में गाइस। गाइस इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट थर्ड टेस्ट होगा 21 से शुरू, और गाइस इसका T20 जो है 28 अगस्त से शुरू है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का 28 अगस्त, 30 अगस्त और 1 तारीख को है। तो गाइस 3 T20 ऐसे है, और जिसका स्क्वाड इंग्लैंड के बोर्ड ने आज सॉरी कल ट्यूसडे को डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें कि बहुत सारे मतलब जो टेस्ट खेल रहे हैं अभी रेगुलर, जैसे जोस बटलर्स, जो रूट, क्रिस वॉक, चोपड़ा, जो सबको रेस्ट किया गया है, और जो आयरलैंड के अगेंस्ट में जो स्क्वाड था उसी स्क्वाड ऑलमोस्ट वही स्क्वाड उन्होंने सेलेक्ट किया है गाइस, जिसमें से बेन स्टोक्स सिर्फ जो है वो खेलते हैं, उनको वो जो फॉर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो न्यूजीलैंड गए थे, उन्हें पिकअप नहीं किया है। और ये देखिए गाइस इसको आप पोस्ट करके देख लीजिएगा, वह स्क्वाड आप इंग्लैंड का देख सकते हैं यहाँ पर गाइस। तो बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं किरण रिजिजू जी के बारे में, जिन्होंने जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स मिलके उन्होंने क्या किया कि जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का जो रिकमेंडेशंस था वो सब सबमिट कर दिया है कल को, जिनमें से खेल रत्न अवार्ड के लिए गाइस सिलेक्ट हुए हैं 5, जिनमें से हैं रोहित शर्मा, रेसलर विनेश पोगट, और वुमेन्स हॉकी टीम के कैप्टन रानी रामपाल, और हैं आपके मनिका बत्रा पेडलर, और रियो पैरालंपिक गोल्ड विनिंग हाई जंपर हैं मरियप्पन थंगावेलू, अगर कुछ गलत पड़ जाए तो नाम प्लीज खराब मत पाइएगा। सो ये 5 सिलेक्ट हुए हैं खेल रत्न के लिए गाइस, और 29 स्पोर्ट्स पर्सन सेलेक्ट हुए हैं अर्जुन अवार्ड के लिए, जिनमें से हैं ईशांत शर्मा, रोवर दत्तू, वनक्कल बॉक्सर मनीष कौशिक, रेसलर राहुल अवारे, रिकर्व आर्चर तानु दास, वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर दीपिका ठाकुर, कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा, टेनिस प्लेयर दिविज शरण, वुमेन पैडलर मधुरिमा पत्कार, एंड बैडमिंटन मैंस डबल पेयर ऑफ चिराग शेट्टी एंड सत्विक सैराज रनकी रेड्डी, शूटिंग सेंसेशन सौरभ चौधरी, मनु भकर, स्प्रिंटर दुति चंद, फुटबॉलर संदेश जिंघन, वुमेन क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, वुमेन बॉक्सर लवलीना बोरगोहाँ, इंडियन लुच लेजेंड शिवा केशवन, ये भी थोड़े बड़े बड़े नाम हैं जो मेंशन किए गए हैं, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं अर्जुन अवार्ड के लिए गाइस, और भी 8-9 के नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो फिर भी उन सबको जो यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं सबको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की ओर गाइस।
अब हम बात करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग के बारे में गाइस। इसका सेमीफाइनल चल रहा था गाइस, जो कल एक सेमीफाइनल हुआ है आरबी लेपजिक वर्सेस पेरिस के अगेंस्ट बीच में। तो पेरिस ने लेपजिक को 3-0 से हरा दिया है गाइस, और वो पहुंच गए फाइनल यूएफए चैंपियंस लीग के इस एडिशन के। और आज रात के 12:30 बजे से होगा लियोन वर्सेस बायर्न म्यूनिख, तो वहां से जो जीतेगा वो उनको मिलेगा, खेलना पड़ेगा पीएसजी यानी पेरिस के साथ 24th को। इसी बीच पेरिस के फैंस के लिए कुछ एक दुखी न्यूज़ मिल सकता है कि मैच के बाद नेमार ने जो लेपजिक का एक प्लेयर के साथ मैंने शर्ट चेंज किया गाइस, एक्सचेंज किया टी शर्ट को, जर्सी को, जो कि यूएफए चैंपियंस लीग के सेफ्टी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट था कोविड-19 का, ठीक है। तो शायद उनको बैन भी किया जा सकता है फाइनल के लिए, जो कि पेरिस के फैंस के लिए काफ़ी दुखद सूचना होगी। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी मिल होता है मैं यहाँ इस चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए गाइस, क्योंकि मैं आपको सब चीज़ से अपडेट करा दूंगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं एनबीए के बारे में गाइस। एनबीए के आज सुबह सुबह हुए मैच हैं पेसर्स वर्सेस हीट, जिसमें हीट ने पेसर्स को 113-101 से हराया। रॉकेट्स वर्सेस थंडर, जिसमें रॉकेट्स ने थंडर को 123-108 से हराया। लेकर्स वर्सेस ट्रेल ब्लेजर्स, जिसमें ट्रेल ब्लेजर्स ने लेकर्स को 193 से हराया गाइस। गाइस आज शाम रात को होने वाले हैं रैप्टर्स वर्सेस नेट्स, नगलेट्स वर्सेस जेज, सेल्टिक्स वर्सेस 76ers, क्लिपर्स वर्सेस मैवरिक्स, पेसर्स वर्सेस हीट्स, जो कि गेम 2 होने वाला है गाइस। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई हो, और होप सो कि मैं आप सबको अपडेटेड करा पाऊँ स्पोर्ट्स की दुनिया से। तो मिलते हैं कल अगली नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाई फाइव।